अस्सलाम वालेकुम, दिस इज माय शकील एंड यू आर वाचिंग माय चैनल द लर्निंग ट्री। दिस इज माय लेक्चर व्हिच इज रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 11 इंटरमीडिएट कोर्स। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव गॉट एडमिशन इन एनआईटी यूनिवर्सिटी। तो आज जो मेरा लेक्चर है वो है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। प्रीवियसली मैंने लीनियर एक्सपेंशन को डिस्कस किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम विच इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एंड एक्सपेंशन टू एक्सपेंड और टू कॉन्ट्रैक्ट, सही है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड, मतलब इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा है कि अब जो एक्सपेंशन हो रही है वो वॉल्यूमेट्रिक हो रही है, मतलब पहले लीनियर हो रही थी, लीनियर मतलब एक ही डायरेक्शन में हो रही थी, लेंथ ही इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। इसके अंदर लेंथ भी आपके पास स्प्रेड हो रही होगी, ब्रेथ भी स्प्रेड हो रही होगी और हाइट भी स्प्रेड हो रही होगी, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि वी हैव अ क्यूब, लेट सपोज दिस इज अ क्यूब, सही है, वॉल्यूम इज वी नॉट, टेम्परेचर इज टी नॉट, वी अप्लाई हीट ऑन इट, ठीक है, हीट दी हमने इसको, यहाँ पे टी वन कह लेते हैं इसको यहाँ पे, देन इट एक्सपेंड, इट सम काइंड ऑफ एक्सपेंशन, द फाइनल वॉल्यूम दैट इज वी, ठीक है। तो जो फॉर्मूला बनता है वो सिमिलरली वही है जो हमने लीनियर एक्सपेंशन में पढ़ा था। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट बीटा डेल्टा टी, अब बीटा आ रहा है, सिमिलरली वी इज इक्वल टू वी नॉट वन प्लस बीटा डेल्टा टी, ठीक है। सिमिलरली वी हैव अनदर फॉर्मूला दैट इज बीटा इज इक्वल टू थ्री अल्फा, जो बीटा होता है वो अल्फा का थ्री टाइम होता है। अगर हम डिस्कस कर लें यहाँ पे कि इधर जो बी है वो है वॉल्यूमेट्रिक कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है। नाउ वी हैव फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अच्छा, अगर आपने लीनियर एक्सपेंशन का टॉपिक मिस कर दिया और आपने डायरेक्टली जंप कर दिया इस टॉपिक के अंदर, तो आप पहले वो टॉपिक पढ़ लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, देन आप इसको अगर आप होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी इजली ग्रिप, इजली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं कोशिश पढ़ लेता हूँ। अ ग्लास क्लॉथ इज फिल्ड टू द मार्क, ये टू द मार्क को अंडरलाइन करके ऊपर लिखते हैं, टू द मार्क मतलब होता है कम्प्लीटली फिल्ड, सही है, टू द मार्क मतलब होता है कम्प्लीटली फिल्ड, मतलब कम्प्लीट है। अ ग्लास क्लॉथ इज फिल्ड टू द मार्क विद 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मरकरी, वो बोल रहा है कि आपके पास एक मरकरी है जिसका जो वॉल्यूम है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब है और वो फ्लास्क में कम्प्लीटली फिल है, मतलब अब जगह नहीं है फ्लास्क के अंदर, इसका मतलब है ग्लास फ्लास्क का वॉल्यूम भी क्या होगा, 50 सेंटीमीटर क्यूब होगा, सही है, थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज किया मैंने। इफ द फ्लास्क एंड इट्स कॉन्टेंट्स आर हीटेड टू 38 डिग्री सेल्सियस, अब क्या हो रहा है, फ्लास्क और उसका जो कॉन्टेंट दैट इज मरकरी उसको हम हीट कर रहे हैं 38 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा, हीट कर रहे हैं तो सर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, फ्लास्क थोड़ा आराम से एक्सपेंड करेगा, ठीक है, और मरकरी थोड़ा फास्ट एक्सपेंड करेगा, देखते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। हाउ मच मरकरी विल बी द अबव द मार्क एग्जैक्टली, तो बोल रहे हैं कि कितनी जो मरकरी है वो अबव द मार्क है। अच्छा, अबव द मार्क को ड्रैग करके लिखते हैं, विल ओवरफ्लो, अबव द मार्क मतलब होता है कि आपके पास जो है वो जो मार्क था, जो जगह थी फ्लास्क की, उससे वो ऊपर निकल चुका है, दैट इज ओवरफ्लो, तो कितना मरकरी ओवरफ्लो हो गया। एग्जैक्टली मैंने ये बात करी है कि अगर आपके पास फ्लास्क भी हीट हो रहा है और मरकरी भी हीट हो रहा है और जो दोनों सेम टेम्परेचर पे हीट हो रहे हैं, तो मरकरी तेज़ी से एक्सपेंड करता है और फ्लास्क थोड़े स्लोली एक्सपेंड करता है, क्योंकि पहले मरकरी और फ्लास्क एक दूसरे पे कम्प्लीटली फिल्ड है ना, अब हो ही रहा है जब एक्सपेंड करेगा तो ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई मरकरी ओवरफ्लो करेगा, मतलब उस फ्लास्क में गिरेगा, तो कितना मरकरी जो है वो ज़ाया हो रहा है, ये आपके पास क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, समझिएगा कॉन्सेप्ट, आपके पास एक फ्लास्क था, सही है, समझिएगा, फ्लास्क था और मरकरी था, तो मरकरी का जो इनिशियल वॉल्यूम था वो 50 सेंटीमीटर क्यूब था, समझिएगा 50 क्या था, 50 सेंटीमीटर क्यूब था। ऑब्वियस ये बात है जब मरकरी फ्लास्क में अप टू द मार्क फिल है, इसका मतलब है कि फ्लास्क का भी वॉल्यूम कितना होगा, 50 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, क्लियर है।
और टेम्परेचर गिवन है, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा क्योंकि एक दूसरे पे मतलब अंदर ही है ना मरकरी उसके, तो जो टेम्परेचर इसका होगा वही टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है इसका भी होगा। अब सॉरी T1, अब क्या कर रहे हैं, अब हम इसको हीट कर रहे हैं कहाँ तक, 38 आई गेस, यप 38, अब हम हीट कर रहे हैं 38 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको भी ऑब्वियसली बात दोनों साथ ही हीट हो रहे हैं, दैट इज 38 डिग्री सेल्सियस। और आपको अल्फा गिवन है फ्लास्क का, दैट इज 9 × −6, और इसका आपको बीटा गिवन है, दैट इज 182 × −6, अच्छा आई नो आपके ऊपर से जा रहा होगा अभी, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, अब कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका, समझिए कॉन्सेप्ट। अब हो ही रहा है कि मैं बोलूं कि जितना आपके पास फ्लास्क 50 सेंटीमीटर क्यूब का था और उसमें मरकरी भी 50 सेंटीमीटर क्यूब मौजूद है, तो ईजिली समझ में आ रहा है कि कोई ओवरफ्लो नहीं हो रहा, मतलब अगर तो मरकरी फ्लास्क से कम है या बराबर है फ्लास्क के वॉल्यूम के तो ओवरफ्लो नहीं होगा। ओवरफ्लो कब होगा, जब मरकरी का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है किससे, फ्लास्क के वॉल्यूम से, इतना क्लियर है। जैसे एग्जांपल दूँ, मैं बोलूँ कि मेरे पास एक गिलास है जो कि 25 सेंटीमीटर क्यूब का है, ठीक है, कितना है 25 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें डाल रहा हूँ पानी, पानी डाल रहा हूँ मैं, और मैंने पानी डाला 28 सेंटीमीटर क्यूब का, समझिएगा क्या कहा मैंने कि गिलास की जो कैपेसिटी थी वो 25 सेंटीमीटर क्यूब थी, ठीक है, और मैंने जो H2O डाला, पानी डाला, वो डाला 28 सेंटीमीटर क्यूब, कितना डाला मैंने 28 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मैं बच्चे से भी पूछूंगा कि बताओ कि कितना पानी ज़ाया हो गया, तो क्या कहेगा, सिंपली कहेगा कि आप वाटर की वॉल्यूम को आप फ्लास्क की वॉल्यूम से माइनस कर दें तो यू विल गेट दी ओवरफ्लो वाटर, कि भाई इतना वाटर जो है वो ओवरफ्लो हो गया है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी था, किसी बच्चे से पूछो वो भी ये कहेगा। तो ये अब इस कॉन्सेप्ट पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब वो ये रहा है कि जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो फ्लास्क का भी वॉल्यूम बढ़ रहा है और मरकरी का भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, चूंकि उन्होंने कहा कि अप टू अबव द मार्क, मतलब ऑब्वियसली बात है मरकरी ओवरफ्लो कर रहा है, इसका मतलब है मरकरी तेज़ी से बढ़ रहा है और फ्लास्क स्लोली स्लोली बढ़ रहा है। तो इन शॉर्ट हम ये इसको अजम्पशन कर सकते हैं कि जो मरकरी का फाइनल वॉल्यूम है और जो फ्लास्क का फाइनल वॉल्यूम है, अगर वो दोनों बराबर होते, लेट सपोज मतलब मरकरी जो एक्सपेंड होकर जो मरकरी का वॉल्यूम आ रहा है कि फाइनल वॉल्यूम है, और जो फ्लास्क का फाइनल वॉल्यूम है अगर वो सेम होता तो मैं कहता भाई नो ओवरफ्लो, कि ऑब्वियसली बात ओवरफ्लो नहीं करेगा, दोनों बराबर हैं और दोनों में ये जो है वो कैपेसिटी फुलफिल हो गई। बट हो ये रहा है कि मरकरी का फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू द फाइनल वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क। तो इन शॉर्ट मैं क्या कहूँगा कि मैं क्या करूँगा, इसके अंदर कुछ ही नहीं करूँगा कि इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के अंदर मैं फ्लास्क का फाइनल वॉल्यूम निकालूंगा और मैं क्या निकालूंगा, मरकरी का फाइनल वॉल्यूम निकालूंगा, फिर मरकरी के फाइनल वॉल्यूम को अगर मैं ग्लास फ्लास्क के फाइनल वॉल्यूम से माइनस कर दूंगा तो दैट विल अमाउंट दैट द अमाउंट दैट द वॉल्यूम विल गिव अ ओवरफ्लो वॉल्यूम, जो वॉल्यूम आएगा वो ऑब्वियसली बात है कौन सा वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम होगा वो आपके पास अमाउंट ऑफ मरकरी होगा जो कि ज़ाया हो गया, जो कि फ्लास्क से बाहर निकल गया। तो गाइस मुझे समझ में आया कि जो मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे जो कैलकुलेट करना है रिक्वायर्ड जो मेरे पास है वो यही है कि आप जो है वो ओवरफ्लो मरकरी निकाल दो, मतलब ओवरफ्लो मरकरी, ओवर फ्लो मरकरी Hg, जो कि मुझे पता है कि मरकरी के फाइनल वॉल्यूम और फ्लास्क के फाइनल वॉल्यूम का डिफरेंस होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो क्या करेंगे हम, एक एक करके पहले हम फ्लास्क का निकालेंगे, फिर हम मरकरी का निकालेंगे, एंड देन हम उसको माइनस कर देंगे तो वी विल गेट दी ओवरफ्लो वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम पहले मैं फ्लास्क फॉर फ्लास्क फ्लास्क का निकाल देता हूँ, वी इज इक्वल टू वी नॉट वन प्लस अल्फा सॉरी थीटा डेल्टा टी, नाउ पुट द वैल्यू, व्हाट इज वी नॉट, वी नॉट इज 50 1 प्लस
बीटा ऑफ क्लास इज नॉट गिवन, हमें अल्फा गिवन है, तो मैं इसको 3 अल्फा कह सकता हूँ, 3 इंटू 9 एक्सपोनेंशियल माइनस 6, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा आपके पास, टी टू माइनस टी वन, दैट इज 38 माइनस 18, तो जिसको इसका आंसर आया है, मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, इसका आंसर आ रहा है 50.02 सेंटीमीटर क्यूब। आप सिमिलरली हम मरकरी का निकाल लेते हैं, फॉर मरकरी ठीक है, अच्छा मरकरी के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, V इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, व्हाट इज वी, वी वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज वी नॉट, वी नॉट इज 51 प्लस बीटा इज गिवन दैट इज 182 10 इज टू पावर माइनस 6 इंटू 38 माइनस 18, तो जो वॉल्यूम आ रहा है इसका वो आ रहा है 50.18 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा अब मैं बोलूँ कि अमाउंट ऑफ मरकरी ओवरफ्लो, मुझे एक्चुअली ये निकालना था, अमाउंट ऑफ एच जी ओवरफ्लो, तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो ये बन जाएगा कि जो मरकरी का फाइनल वॉल्यूम था, अगर मैं उसको फ्लास्क के फाइनल वॉल्यूम से माइनस कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा कितना मरकरी जो है वो ज़्यादा हो गया, तो इसका जो आंसर आ रहा था मेरे पास वो आ रहा था 0.16, इसका आंसर आ रहा है 0.16 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज़ द ओवरफ्लो वॉल्यूम जो कि ज़्यादा हो गया। अच्छा आज का जो लेक्चर था मेरा वो यही था कि मेरा जो मेरा गोल था वो यही था कि मुझे जो है वो इस टाइप का एक न्यूमेरिकल करवाना है, ताकि इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आपके पास आएंगे तो आप वो कर सकें, ठीक है। तो मेरा आज तक का लेक्चर इतना ही था, मैं आपको 3 से 4 न्यूमेरिकल्स एज अ ड्रिल्स एज अ होमवर्क आपको दूंगा, तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर उसमें कोई भी डाउट है विथ रिस्पेक्ट टू आंसर, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोसीजर, एनीथिंग, इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझसे वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी एप्लीकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसके बदले थोड़ी सी एप्रिसिएशन हमें मिल जाए आपकी तरफ से, ठीक है। तो आज तक के लिए दिए मुझे इजाज़त, अपने बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।